XUV700 एक बहुत ही प्रीमियम और कमाल की SUV है, इस बात में कोई दोराई नहीं। लेकिन इस गाड़ी के प्रीमियम फीचर्स का मजा लेने के लिए कस्टमर को 24 से 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रीजन है XUV700 के लाइनअप में ऐड हुआ यह नया वेरिएंट AX5 सेलेक्ट, जो कि इसके AX3 से ऊपर है और AX5 से नीचे। पैसे आपको मात्र 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं AX3 से, यानी अगर AX3 की कीमत थी 16,40,000 रुपए तो यहां पर आपको 50,000 रुपए ऊपर देने पड़ेंगे, यानी 16,90,000 रुपए। डीजल पेट्रोल दोनों में अवेलेबल है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन है, और 50,000 रुपए फालतू देकर आपको एक बड़ा पैनारोमिक सनरूफ, सामने फ्रंट में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स, प्लस 10.25 इंचेस का टस्क्रेन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, 7 सीटर ऑप्शन, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहां पर अब मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग पुश स्टार्ट बटन। तो केवल 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर इतने फीचर्स एड ऑन कर देता है कि बहुत कम ऐसे बायर्स होंगे अब जिनको इससे ऊपर वाले वेरिएंट में सिर्फ इन फीचर्स के लिए या एक आध प्रीमियम चीज के लिए जाना पड़े। तो इस वेरिएंट में क्या कुछ नया है, क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, ऑन रोड ये कितने का पड़ेगा, फ्यूल इकोनॉमी, पावर फिगर्स, कंफर्ट, हर छोटी से छोटी चीज के बारे में हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। जो आप वेरिएंट सामने देख रहे हैं ये है AX5 सेलेक्ट विद डीजल। तो डीजल के लिए आपको 17.5 लाख रुपए एक्स शोरूम में देने पड़ते हैं, 17,49,000 रुपीज। मजे की बात XUV700 के बारे में यह है कि अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी लेते हैं ना, तो फ्रंट से गाड़ी हूबहू ऐसे ही दिखती है, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको सामने इस तरीके से ग्लॉसी ट्रीटमेंट के साथ ग्रिल मिलती है, महिंद्रा का लोगो और ये सिल्वर कलर के वर्टिकल बार्स, ये ठीक इसके टॉप वेरिएंट जैसे ही दिखते हैं, इसीलिए कभी पता नहीं चलता कि आप कौन सा वेरिएंट ओन कर रहे हैं। दूसरी चीज, नीचे ये जो है थोड़ा सा डार्क सिल्वर कलर की जो है आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, और यहाँ पर फॉग लैंप्स के लिए प्रॉपर हाउसिंग दी गई है, एयर कर्टन्स भी आपको मिल जाते हैं, LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको इसी वेरिएंट में मिल जाती हैं, और अगर हम हेडलैम्प की बात करेंगे तो ये रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन है, यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स का ऑफर नहीं दिया गया। दूसरी चीज, जो इस गाड़ी के हुड के ऊपर कट्स एंड क्रीजेस हैं वो डैम गुड लगते हैं, और गाड़ी की पूरी फ्रंट फेशिया और साइड प्रोफाइल को बहुत ही ज्यादा माचो और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ से आप गाड़ी की ओवरऑल लेंथ चेक करिए, गाड़ी की पूरी लेंथ है 4695 4695 mm की, व्हील बेस आपको लगभग 2750 mm का मिलता है। यही रीजन है कि गाड़ी आपको कैबिन में बहुत अच्छा खासा स्पेस ऑफर करती है, प्लस अपने इन बड़े बड़े विंडो ग्लास एरिया की वजह से XUV आपको बहुत ज्यादा खुली, रूमी और बड़ी गाड़ी फील होती है। यहां अगर आप चेकआउट करेंगे, क्लाइडिंग्स बिल्कुल सेम रखी गई हैं, 17 इंचेस के नॉर्मल ब्लैक पेंटेड स्टील व्हील मिलते हैं, लेकिन इन्हें फुल साइज व्हील कवर्स, ये जो सिल्वर कलर के आप देख रहे हैं, इनसे कवर किया गया है। चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं विद ABS और EBD। उसके बाद ब्लैक कलर के ग्लॉसी फिनिश के साथ यहां पर आपको ORVMs मिलते हैं, जिन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड मैनुअली करने पड़ेंगे। LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर माउंटेड है, स्मार्ट डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ए पिलर बॉडी कलर है, बी पिलर के ऊपर अगेन आपको ग्लॉसी फिनिश मिलेगी, सी पिलर के ऊपर काफी बड़ा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया है, प्लस यहां पीछे ये जो थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश आप देख रहे हैं, इसे बहुत नीटली पीछे विंडशील्ड के साथ मर्ज किया गया, और स्पेशली ये जो ब्लैक कलर का एजी पोर्शन है, इसकी वजह से गाड़ी की साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल दोनों बहुत ज्यादा स्पोर्टी और अल्टीमेट लुक देती है। टेल लैंप्स LED में रहेंगे, लेकिन रिवर्स लैंप और स्टॉप लैंप जो है वो आपको नॉर्मल हाइलोजन बेस, XUV700 की ब्रांडिंग है, AX5 यहां पर जो वेरिएंट है उसकी बैजिंग यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी, नीचे रिफ्लेक्टर्स है, दो ही पार्किंग सेंसर्स आएंगे, सेम वैसे ही डार्क सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको यहां पर मिलती है, महिंद्रा का लोगो, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, स्पॉयलर दिया गया है, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, प्लस रूफ रेल्स जो है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। यहां से अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये है गाड़ी की दूसरी प्रोफाइल, और इस साइड यहां पर आपको प्रॉपर मेंशन हुआ मिलता है कि एड्रोनॉक्स आपको यहां पर मिलता है, इनबिल्ड एलेक्सा जो है वो भी मिलता है डेफिनेटली। फ्यूल फिलिंग लिड यहां चेकआउट करेंगे तो डीजल का ऑप्शन है, डेफिनेटली डीजल है तो DEF का ऑप्शन आपको मिलेगा, टैंक की कैपेसिटी लगभग 60 लीटर के आसपास की आपको मिल जाती है, पेट्रोल के लिए भी आप नो डाउट जा सकते हैं। चलिए यहां से अगर हम इसका टेल गेट ओपन कर दें तो आप यहां पर देखिए आपको मिलते हैं 7 सीटिंग ऑप्शन मिल रहा है 50,000 रुपए में,
सनरूफ मिल रहा है, टस्करन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको 7 सीटर ऑप्शन यहां पर आपको दे दिया, प्रॉपर पीछे जो है वो आपको डेडिकेटेड एसी वेंट्स मिले विद स्पीड रेगुलेटर, यानी आप स्पीड भी पीछे कंट्रोल कर सकते हैं। आर्मरेस्ट प्रॉपर आपको मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पर कप होल्डर जो है वो भी आपको मिलते हैं, दूसरी साइड में प्रॉपर एसी वेंट्स है। सीट बेल्ट को आप इजिली टक इन कर पाए उसके लिए प्रॉपर क्लैंप्स दिए गए, 50-50 का स्प्लिट रेशियो यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ इसकी टूल किट वगैरह प्लेस्ड है और स्पेयर व्हील आपको नीचे मिलता है जो कि अंडर साइज रहेगा। चलिए अब यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है, इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी आपको यहां पर प्रॉपर स्लॉट दिया गया है, प्लस दोनों साइड ग्रैब हैंडल्स हैं ताकि आप इजीली इस टेल गेट को क्लोज कर पाएं। अब ये चाबी है जो कि आपको टिपिकल महिंद्रा टाइप हर गाड़ी में लगभग अब यही चाबी आपको महिंद्रा ऑफर करता है, आप इजीली अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे तो बूट जो है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। रिलीज क्या होगी, मतलब अनलॉक होगी, रिलीज आपको खुद ही करनी पड़ेगी। डुअल टोन कैबिन यहां पर भी आपको मिलता है, यहां पर अगर आप डोर भी चेकआउट करेंगे तो यहां पर भी आपको कुछ सिल्वर हाईलाइट्स जैसे कि यहां डोर के हैंडल्स के ऊपर ये थोड़ा सा गार्निश आपको देखने के लिए मिलेगा, और पूरा डोर जिस तरीके से ग्लो करता है इस डुअल टोन की वजह से वो बहुत सुपीरियर लगता है। हालांकि कहीं भी जो है वो सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं किया गया, सब हार्ड प्लास्टिक्स है, लेकिन यहां प्रॉपर बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट है, ट्विटर की प्लेसमेंट है, चारों पावर विंडो मिलती है, कोई भी विंडो आपकी ऑटो अप या ऑटो डाउन नहीं है, इंक्लूडिंग ड्राइवर साइड भी आपको नॉर्मल मिलेंगी, सेफ्टी लॉक है, मैनुअली गाड़ी का लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ब्लैक कलर के साथ इस तरीके से डोर लीवर्स जो है वो आपको मिलेंगे। नीचे एक प्रॉपर डेड पैडल है, एबीसी तीनों पैडल के बाद स्पेस अच्छा है, यहां जो है वो आपको प्रॉपर स्कफ प्लेट्स मिलती है, प्रॉपर प्लास्टिक है, किसी भी तरीके का मेटल इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही कहीं पर एक्सयूवी 700 वगैरह मेंशन किया गया, लेकिन काफी चौड़ी है और इसकी फिनिश वगैरह जो कारपेट के साथ है वो काफी अल्टीमेट लगती है। प्लस सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो सीट्स में सबसे पहली चीज ड्राइवर के लिए आपको मैनुअली हाइट का एडजस्टमेंट मिल जाता है, सीटें फैब्रिक की है लेकिन इसकी क्वालिटी, इसकी कुशनिंग वगैरह जो है वो आपको काफी बढ़िया फील होती है। प्लस अगर आप इधर चेकआउट करते हैं तो आपको 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, ये कंट्रोल्स आपके 10.25 इंचेस का सामने जो क्लस्टर है उससे रिलेटेड मिलते हैं, प्लस आइडल स्टॉप एंड गो। अब आते हैं जरा कैबिन के अंदर, और कैबिन में जैसे ही आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज आपको इसी वेरिएंट में स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिल जाता है, प्लस 10.25 इंचेस का आपको टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो यहां पर मिलता है। इसमें आप वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिस्टम महिंद्रा की और बहुत सारी गाड़ियों में, इवन देन एक्सयूवी के टॉप एंड में भी आपको यही जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मिलता है। कनेक्टेड स्क्रीन हो जाती है, बस ये जो बीच में है ये पोर्शन जलता नहीं है, इनको बहुत अच्छी तरीके नीटली जो है वो यहां पर मर्ज जरूर किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज स्टीयरिंग जो है वो डेफिनेटली फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक का है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरीके का लेदर रफ वगैरह नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ने वगैरह में ग्रिप आपको काफी अच्छी मिलती है, गाड़ी से काफी कमांडिंग आपको पोजीशन जो है वो मिल जाती है। इधर अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो ये कंट्रोल्स आपके इसी 10.25 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहां पर आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, इधर आपको वाइपर के स्टॉक मिल जाते हैं, इधर हेडलैम्प के ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह आपको यहां पर नहीं मिलेंगे। बेसिक चीजें हैं, चेक टायर डायरेक्शन वगैरह आपको मिल जाएगा, लेकिन टीपीएमएस वगैरह यहां पर ऑफर नहीं किया गया। टाइम, टेंपरेचर, इधर आपका जो है वो स्पीड, इधर आपको टैकोमीटर, यहां पर कूलेंट की टेंपरेचर, इधर फ्यूल की गेज, बेसिक सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, ट्रिप ए ट्रिप बी, और अगर आपने यहां पर कुछ भी एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल्स यहां पर दिए गए हैं। उसके बाद यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप जो है वो आपको यहां पर प्रॉपर मिलता है, लेकिन ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। और इसी आपके टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं यहां पर सेटिंग्स में हूं और मुझे बहुत ही जल्दी फटाफट से अगर मैंने को होम स्क्रीन पर जाना है तो यहां आपको एक शॉर्टकट मिलेगा, प्लस स्क्रीन सेवर को इनेबल डिसेबल करने के लिए भी आपको यहीं पर जो है वो शॉर्टकट दिया गया है। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे एक आपको नॉर्मल यूएसबी टाइप का पोर्ट मिलेगा, इधर आपको थोड़ा बहुत अगर आपने कॉइन या कुछ रखना है तो आप रख सकते हैं, यहां नॉर्मल इस तरीके से मोबाइल पैड आपको मिलेगा, लेकिन ये वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं है, सिर्फ आप अपना सामान रख सकते हो। उसके बाद 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, डेफिनेटली आपके पास ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, ये प्रॉपर जो आप सेंटर में कंसोल में फिनिश देख रहे हैं एकदम टॉप मॉडल जैसी आपको देखने के लिए मिलती है, प्रॉपर ग्लॉसी, इस जगह को ग्लॉसी वगैरह नहीं किया गया लेकिन इसको रखा गया जो कि काफी प्रीमियम फील दे रहा है। कप होल्डर है, थोड़ा कभी स्पेस है, इजीली आप पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं, क्रोम फिनिश के साथ है, आर्मरेस्ट आपको मिलता है, इसे आप स्लाइड नहीं कर सकते, ये हार्ड टॉप है, किसी भी तरीके का सॉफ्ट टच वगैरह आपको यहां पर नहीं दिया गया, लेकिन एक बढ़िया स्टोरेज जो है वो आपको डेफिनेटली यहां पर मिल जाता है। स्टोरेज यहां पर भी आपको बहुत सफिशियंट मिलता है, देखेंगे गाड़ी के पेपर, मैनुअल, फर्स्ट एड किट, ये सब कुछ रखने के बाद भी आप इसे अच्छा खासा इस्तेमाल कर पाएंगे, प्लस ऊपर जो है वो आपको एक प्रॉपर ट्रे भी दी गई है, और जिस हिसाब से यहां पर इसका डैशबोर्ड आपको लुक देता है, ऊपर ब्लैक फिर बीच में बेज, यहां आपको जो है थोड़ा सा प्रीमियम सी फील दे देता है ये सिल्वर ग्लॉसी फिनिश, तो ओवरऑल आपको एक काफी ज्यादा अच्छी
मैच्योर और सटल फील गाड़ी के कैबिन से मिल जाती है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM सनग्लास होल्डर मिलता है, जिसके अंदर बहुत ही कुशनी और रबराइज मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। कैबिन लाइट्स आपको इस तरीके से LED बेस मिलती है और इसकी ब्राइटनेस जो है वो काफी अच्छी है। और बहुत लोगों का फेवरेट फीचर सनरूफ, डेफिनेटली एक बड़ा स्काई रूफ आपको यहाँ पर इस वेरिएंट में मिलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे फीचर मैंने आपको गिनवा दिए जो कि इस वेरिएंट में मिलते हैं, और मात्र आपको पैसे कितने फालतू देने हैं, 50,000 रुपए। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है, चलती गाड़ी में कभी भी इससे बाहर मत निकलना, किसी भी सिचुएशन में नहीं। उसके बाद यहाँ वाइजर आप चेकआउट करेंगे, इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, प्लस बड़ा साइज का एक वैनिटी मिरर। रूफ टॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल जो है वो इस तरीके से फोल्डेबल, सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टेबल है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल। पीछे आपको दो हेडरेस्ट मिलेंगे जो एडजस्टेबल है, मिडल वाले के लिए फिक्स मिलेगा, अभी हम उसकी बात करेंगे। प्लस ड्राइवर साइड अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ आपको वाइजर के ऊपर टिकट होल्डर जो है वो मिलता है। उसके बाद अब हम चलते हैं जरा एक बार गाड़ी की सेकेंड रो में, और सेकेंड रो में आपको कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए क्या कुछ मिलता है उसकी बात करेंगे, फिर इसके इंजन की बात करेंगे। सबसे पहली चीज, रेयर में डोर भी आपको डूल टोन के साथ मिलेगा, अगेन सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट, ग्रैब हैंडल, सब हार्ड प्लास्टिक, पावर विंडो का कंट्रोल और ब्लैक कलर के साथ आपको डोर लीवर्स मिलते हैं। ये जो सीट्स हैं आपकी सेकेंड रो वाली, इसमें आपको 60-40 का स्प्लिट जो है वो मिल जाता है, तो इजिली आप इन्हें अपने यूज के हिसाब से फोल्ड अप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आर्मरेस्ट आपको यहां पर मिलता है, और ये आर्मरेस्ट आपको कप होल्डर्स के साथ मिलेगा। मिडल वाले के लिए हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड रहने वाला है, लेकिन इन दोनों के लिए जो है, मतलब साइड वाले जो दो पैसेंजर्स होंगे उनके लिए आपको जो हेडरेस्ट मिलेगा वो एडजस्टेबल है। प्लस साइड वाले पैसेंजर्स के लिए 3 pointed सीट बेल्ट है, लेकिन मिडल वाले के लिए आपको आज भी लैप बेल्ट ही मिलने वाली है। रेयर में AC वेंट्स मिलते हैं, सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिलता है, इजीली आप अपना फोन वगैरह यहां पर रख सकते हैं, और हंप जो है वो बहुत कम है, तो मिडल में अगर कोई भी बैठेगा डेफिनेटली उसको ज्यादा दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली। गाड़ी में इनफ स्पेस है कि पीछे 3 adults बैठे, लेकिन हाँ वो ज्यादा हट्टे कट्टे ना हो, अगर बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे हैं तो फिर 2 लोग कंफर्टेबल, और बीच में आप किसी बच्चे को इजिली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट वो काफी अच्छा है, नी रूम मोर देन इनफ है, लेग रूम जो है वो काफी अच्छा है अभी, जबकि ये सीट मैक्सिमम पीछे जितनी हो सकती है उसके बावजूद भी गाड़ी में जगह है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। प्लस रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स है, कोठुक है, LED बेस्ड लाइट्स जो है वो आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलेंगे, कोठुक दोनों साइड दी गई है। चलिए अब बात करते हैं जरा हम अब इस गाड़ी के इंजन के बारे में, कि यहां पर सबसे पहले तो हमें खोलना है इसका हुड, और यहां पर जो आपको इंजन मिलता है ना, 2.2 लीटर डीजल MHawk CRDI, ये इंजन बहुत शानदार है। हाँ, आपके पास Amstallion 2 लीटर का पेट्रोल जो है उसका भी ऑप्शन डेफिनेटली है, उसकी भी बात कर लेंगे हम साथ में। सबसे पहली चीज तो यार, इसका हुड जो है ना, इसमें बहुत अच्छा खासा वेट है, बहुत अच्छा खासा, प्लस प्रॉपर इंसुलेशन आपको यहां पर दी गई है। इंजन बहुत कमाल का है, ये जो MHawk इंजन है, CRDI डीजल 2.2 लीटर 4 cylinder टर्बोचार्ज, बहुत शानदार इंजन है। पावर फिगर्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से 182 या 183 BHP तक की पावर जनरेट करता है, प्लस लगभग 420 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क है जो वो डिलीवर करेगा। सामने फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग है, प्लस सामने आप देखेंगे तो हीट रिडक्शन मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। नीचे अंडर बॉडी में भी प्रॉपर कवरिंग जो है वो आपको मिलेंगी, और इंजन बे एकदम नीट एंड क्लीन, वेल मैनेज्ड एंड वेल पैक्ड आपको मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। चलिए इसको करते हैं यहां से क्लोज, और आप यहां से चेकआउट करिए जरा एक बार XUV 700 AX5 सेलेक्ट, एक ऐसा वेरियंट। इस वेरिएंट को लेने का ऑप्शन सबसे ज्यादा जबरदस्त इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आपको प्रीमियम फीचर, जैसे आपको सनरूफ चाहिए, आपको पुश स्टार्ट बटन चाहिए, आपको DRLs चाहिए, ऐसी जो चीजें होती हैं, आपको कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा है, इनबिल्ड एलेक्सा मिल रहा है, एड्रोनॉक्स मिल रहा है, ऐसी चीजों के अगर आप शौकीन हैं, आपको एक वेलटेक प्रॉपर गाड़ी ऐसी चाहिए जो पूरी तरीके से फीचर लोडेड हो, आपको थोड़ा बहुत बस अपने हिसाब से गाड़ी को एडजस्ट करना पड़े, आप फालतू पैसा गाड़ी पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहते और आपको स्टॉक कंडीशन में गाड़ियां पसंद है, तो इससे बेहतर ऑप्शन इस प्राइस टैग के साथ फुल साइज SUV में नहीं मिलेगा। 16,90,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस है पेट्रोल मैनुअल का, और 17,50,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस है डीजल मैनुअल का। ये सामने जो आप देख रहे थे ये डीजल मैनुअल है, इसके साथ फ्यूल इकोनॉमी लगभग आपकी क्लेम्ड है 17 के आसपास, पेट्रोल में वही 14-15 के आसपास होगी, लेकिन रियर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये डीजल के साथ आपको एवरेज देगा लगभग 15 के आसपास, पेट्रोल देगा 12-13 के आसपास। तो ओवरऑल आपको AX5 सेलेक्ट कैसा लगा वेरिएंट, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे हिसाब से 50,000 रुपए देकर अगर आपको इतनी चीजें मिल रही हैं ना, तो 110% पैसा वसूल है, 100% पैसा वसूल। देखो, सनरूफ आपको मिल रहा है,
टस्करन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंचेस का आपको मिल रहा है। डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको मिल रही है, कैमरा नहीं है, सिर्फ म्यूजिक सिस्टम आपको दिया गया है। 7 सिटिंग ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं और कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो भी आपको स्मार्ट चीजें चाहिए, एड्रेनोक्स है, इनबिल्ड एलेक्सा है, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो हुआ ना पूरा पैसा वसूल। वेरिएंट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो इस बजट की गाड़ी प्लान कर रहे हैं और वो एक्सयूवी को या फिर किसी भी फुल साइज एक्सयूवी को कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है कि बहुत पैसा डालना पड़ेगा अगर मुझे प्रीमियम फीचर चाहिए। तो एक बार उनके साथ जरूर शेयर करना, शायद ये वीडियो उनको हेल्प आउट कर पाए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा और मुझे मोटिवेशन। बहुत जल्द आपको फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।